गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए उठ गए आज, थोड़ा उठने में थोड़ा लेट हो गया। एक्चुअली हुआ क्या है, थोड़ा सा स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको। सो तो ठीक, मॉर्निंग में जब उठता हूँ तो ऐसी पूरी बॉडी में अकड़न सी होती है, इसलिए थोड़ा उठने में लेट हो गया। तो यार, आप लोगों में से किसी को कोई होम रेमेडीज या कोई घरेलू उपचार पता हो कि कैसे इस पीठ के दर्द को दूर किया जाए, इससे निजात पाया जाए, तो प्लीज़ बताइए। आज वैसे भी लेट उठे हैं, अगर टाइम बताऊं तो मैं भी 12:15 हो गया है, इतना लेट उठा है। आज की कॉल भी मिस की है। तो ये आजकल वैसे नॉर्मली पेन तो डेली हो रहा है, लेकिन उठना आज काफ़ी लेट, आज पहली बार हुआ है। चलिए देखते हैं, फिलहाल अभी थोड़ा सा हल्का पेन, थोड़ा वॉक किया मैंने तो कम फील कर रहा हूँ। अभी थोड़ा लेते हैं बात लेते हैं उसका, देखते हैं क्या होता है, देन उसका ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद कनेक्ट करते हैं आपसे। तो दोस्तों, नहाना तो हो गया है, और फिर वही जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पहले 5 से 10 मिनट तक पानी वेस्ट करना पड़ता है, देन वी आर एबल टू टेक बाथ। तो वही चीज़ आज भी सेम चीज़ है, क्योंकि धूप इतनी हो रही है इधर नोएडा में कि क्या बताएं। जैसे तैसे मैनेज किया है, तो अभी अब ब्रेक थोड़ा लेट उठा हूँ, लेकिन स्टार्ट तो ब्रेकफास्ट से करना पड़ेगा, तो पहले कुछ ब्रेकफास्ट बनाते हैं। हम ब्रेकफास्ट से याद आया, आज फ्राइडे है, तो नॉर्मली ये भी सब लोगों के साथ होता ही है कि भैया फ्राइडे के दिन लोग सोचते हैं कि चलो आज हम जो है एग खाएंगे या चिकन खाएंगे, मटन खाएंगे, मतलब जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके लोगों के माइंड में ये चीज़ें आती हैं। फ्राइडे नॉर्मली होता है हम लोगों के लिए, जैसे वीकेंड यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा, फ्राइडे को लोग काम भी हमारे पास काफ़ी होता है, क्योंकि वो वीकेंड होता है तो हमारी वीकली जो रिपोर्ट्स होती हैं वो कस्टमर को भेजनी होती हैं। तो अभी लेकिन ब्रेकफास्ट करना भी ज़रूरी है, तो ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन इस कोविड टाइम में बाहर हम जा नहीं सकते, तो चिकन मटन तो कोई सेंस बनता नहीं है आजकल की डेट में खाने का, वैसे भी ब्रेकफास्ट में हम उसे लेते नहीं हैं। तो इसलिए हम जो एग की क्रेट होती है वो भी हम जो है ऑनलाइन ही बाई कर रहे हैं अभी आज की डेट में, तो वही ब्रेड ऑमलेट का भी हम ब्रेकफास्ट करेंगे। और इससे भी एक चीज़ मुझे ध्यान आ रही है कि होता क्या, हमारे भी हम लोगों में क्या होता है, डेज जो होते हैं वो भी डिफाइन होते हैं, भैया मंडे नहीं खाना है, ट्यूजडे नहीं खाना है, थर्सडे नहीं खाना है। तो जो बंदा पहले से 7 के 7 दिन हफ्ते में जो है ऑल 7 डेज जो रेगुलरिटी थी उनकी खाने की, भैया डेली वो अंडा खाते थे या नॉन वेज खाते थे, जो भी खाते थे, अचानक से जो कहते हैं ना वक्त बदल गए जज्बात बदल गए, तो वही वाली बात है, अचानक से उनके पास एक बाउंडेशन आती है कि भैया तुम मंडे नहीं खा सकते हो, तुम ट्यूसडे भी नहीं खा सकते हो, तुम थर्सडे भी नहीं खा सकते हो, तुम सैटरडे भी नहीं खा सकते हो, तो वो वेट करते हैं किसी तरीके से। तो इसीलिए वो वेट आज ख़त्म हुआ है और आज फ्राइडे आया है, तो फ्राइडे के दिन हम अभी ब्रेड ऑमलेट खाते हैं। तो अभी हम बनाने जाते हैं ब्रेड ऑमलेट, देन उसके बाद हम चले, उसके बाद थोड़ा काम करते हैं, फिर हम आपके साथ कनेक्ट करेंगे दोबारा से। अभी ऑफिस के काम से थोड़ी सी फुर्सत मिली है, तो इसी बीच मैं अपने फ़ोन पे कुछ वीडियोस एक्सप्लोर कर रहा था, तो एक ऐसा वीडियो दिखा मुझे जिससे कि कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक नया उभरता हुआ सितारा है। तो आप देखिए इस वीडियो को और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? और यहाँ पता नहीं कुछ नई चीज़ लग रही है आई है। अरे भाई साहब ये देखिए, क्या ये स्ट्रॉबेरी शेक आया भैया हमारे लिए। कल का आई थिंक जो कल वीडियो मैंने पोस्ट किया था उसके बाद का ये असर है कि कहीं ना कहीं ये मैसेज ना जाएगी, सारा काम मैं ही कर रहा हूँ, तो इसी बीच हमारे लिए ये स्ट्रॉबेरी शेक आया। तो चलिए, विदाउट आइसक्रीम है ये, विदाउट आइसक्रीम। हाँ आइसक्रीम आएगी भी कहाँ से, सीखनी पड़ेगी आइसक्रीम जमानी भी आती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइम आइसक्रीम जमा के हम खिलाई जाती है नहीं खिलाई जाती। फिलहाल हम इसका आनंद लेते हैं। तो दोस्तों शेक तो पी लिया, सही में शेक कैसे लाजवाब था, बोलना तो पड़ेगा ही लाजवाब था। तो नहीं, वाकई में शेक काफ़ी अच्छा था। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं इस ब्लॉग में। कल आप के साथ दोबारा कनेक्ट होंगे किसी नए वीडियो के साथ, और तब तक आप अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए। भैया मेरा ये मानना, तो एक चीज़ ये मानना है, भले ही आप ऐसे फैल जाओ, जी हाँ, लेकिन कोरोना वायरस को ना फैलने दें आप। मिलते हैं कल, बाय बाय।